अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम लतीफ़ुर रहमान है और मैं आपका इस्लामियात का टीचर हूँ। बेटा, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तौहीद। तौहीद का मतलब है वहदहु ला शरीक, कि वो अकेला है और इसका कोई शरीक नहीं। और ऐसी हस्ती कौन है? वो एक ही हस्ती है, एक ही ज़ात है, और वो है अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, कि जो अकेला है, तने तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही एक सूरत नाजिल फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद अपना तआरुफ़ किया है। कुरान मजीद में सूरह इखलास है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, ना ही अल्लाह किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है। इस सूरह इखलास से हमें तौहीद का पता चल गया कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है। अल्लाह सी ऐसी ज़ात है जो अकेले हैं, अल्लाह ताला तने तन्हा है, ना उनकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और अल्लाह ताला को किसी की भी ज़रूरत नहीं, ना ही कोई अल्लाह ताला के बराबर का है। जो स्क्रीन पर आपको एक आयत नज़र आ रही है कि लव कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता सुबहानल्लाह रब्बुल अर्श अम्मा यसिफून। आपको इसका ख़ुलासा बता देता हूँ कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा अगर इस दुनिया में कोई दूसरे भी इलाह होते हैं, कोई दूसरे खुदा होते हैं, तो इस दुनिया का सारा के सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, यानी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाता। ऐसे दुनिया का निज़ाम ख़राब होता, दरहम बरहम होता। अगर बिलफर्ज के अगर दुनिया में अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और भी होते हैं, तो हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा होता। एक चाहता कि मैं अभी रात लाना चाहता हूँ, दूसरा कहता नहीं, अभी तो रात का वक्त नहीं है, अभी तो दिन हो रहा है, दिन ही रहने दो, तो आपस में लड़ जाते हैं। एक कहता कि मैं आज बारिश नाजिल करना चाहता हूँ, दूसरा कहता कि नहीं, आज बारिश नहीं होगी, आज सख्त धूप होनी चाहिए। तो अगर इसी तरह अल्लाह के अलावा दूसरे भी इलाह होते हैं, बहुत सारे खुदा होते हैं, तो इसी तरह हर एक बात में लड़ रहे होते हैं। एक का दिल कुछ चाहता, दूसरे का दिल कुछ चाहता। इसको एक और मिसाल के ज़रिए भी आप समझें कि अगर किसी एक स्कूल के दो प्रिंसिपल हों और उनके मुकम्मल इख्तियार उनको दिए जाए कि आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो एक प्रिंसिपल ये सोचेगा कि मैं स्कूल में यूनिफॉर्म ऐसा रखूं कि वो पैंट शर्ट हो। दूसरा प्रिंसिपल क्या सोचेगा, नहीं यार, पैंट शर्ट नहीं होनी चाहिए, शलवार कमीज एक इस्लामी ड्रेस होना चाहिए। एक चाहेगा कि मैं स्कूल के इम्तहानात अप्रैल में लूँ, दूसरा कहेगा नहीं, अप्रैल में तो नहीं, हम अगस्त में लेना चाहते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए भी परेशानी होगी कि कौन सा यूनिफॉर्म पहने, किस महीने में इम्तिहान हो। स्कूल में एक अजीब तमाशा शुरू हो जाएगा, यानी कार स्कूल का सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा और वालिदैन अपने बच्चों को वहाँ से निकाल देंगे कि भाई इनकी आपस में कोई सुलह नहीं हो रही, कि इत्तेफाक़ नहीं हो रहा किसी बात पे, तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसी तरह अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई दो इलाह होते या दो से ज़्यादा होते, तो दुनिया का निज़ाम भी तबाह व बर्बाद हो जाता। तौहीद के मुकाबले में आता है शिर्क, और शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला को किसी दूसरे को भी मानना। जिस तरह के आजकल के दौर में हिंदुओं का अकीदा है, और इस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों का एक अकीदा है, वो अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ साथ वो बुतों को भी मानते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह तो है हमारे खुदा, लेकिन उसके साथ साथ नऊज़ु बिल्लाह जो बुत हैं ये भी हमारे खुदा हैं। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाज़ा आप इस आयत से लगा लें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
क्या मतलब है इसका? कि बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा, और शिर्क के अलावा और जितने गुनाह होंगे अल्लाह अगर चाहे तो उसको माफ़ कर देंगे। तो बेटा समझ में आया आप लोगों को कि शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं अल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन शिर्क कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। अभी मैं आपको तौहीद और शिर्क के हवाले से कुछ अलग अलग स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको तौहीद और शिर्क के हवाले से समझाऊँगा। ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, वो ख़ुद से हैं, किसी ने उसको नहीं बनाया और वो किसी के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि वो हमेशा हमेशा से हैं या ख़ुद से हैं या इसको किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है तो वो मुसलमान नहीं बल्कि मुशरिक है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, जिस तरह हम कहते हैं ना इय्याका नअबुदू, कि अल्लाह मैं सिर्फ आप ही की इबादत करता हूँ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंस को, इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इसी तरह मुशरिक क्या करते हैं, वो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, उनके सैकड़ों उन्होंने अपने खुदा बनाए हुए हैं। जैसे हिंदू लोग हैं भूतों की पूजा करते हैं और सांपों की पूजा करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वो पूजा करते हैं। तो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानता है तो वो मुशरिक हैं। अल्लाह ताला की तमाम सिफात और ख़ूबियाँ अल्लाह की ज़ाती हैं, उसे किसी ने नहीं दी। जो शख्स अल्लाह जैसी सिफात और ख़ूबियाँ अल्लाह के अलावा किसी और के लिए उसकी ज़ाती बनाता है या मानता है, तो ऐसे शख्स को भी हम मुशरिक कहेंगे। यानी वो ये कहें कि अल्लाह ने उसको ये ख़ूबियाँ नहीं दी, बल्कि ये ख़ूबियाँ उस शख्स के पास या उस बुत के पास, किसी के पास भी ये ख़ूबियाँ उसकी अपनी हैं, तो ये ऐसा शख्स भी मुशरिक कहलाएगा। यहाँ पर किसी के जहन में ये बात आ सकती है जो हमने कहा ना कि अल्लाह की सिफात और ख़ूबियाँ उसकी ज़ाती हैं, उसे किसी ने नहीं दी, या अल्लाह ताला की सिफात और ख़ूबियों को किसी और के लिए मानना। तो किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि कुरान मजीद में हमने ये बात आ सकती है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रऊफ़ुर रहीम भी कहा है, जो कि अल्लाह ताला की सिफाती नाम है। तो इसका जवाब यही है कि जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ भी फरमा दिया, रहीम भी फरमा दिया, तो जो कि अल्लाह ताला की ख़ुद अपनी सिफात हैं, तो जब अल्लाह ने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसका मतलब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सिफात अपने ज़ाती नहीं है, ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने दिए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब हुज़ूर के अपने ज़ाती नहीं हुए, ना ही हमने ये माना कि ये सिफात हुज़ूर के अपने हैं, तो ये शिर्क नहीं हुआ। समझ में आ रही है?